एक हमारे यूपी के भाई साहब फल की दुकान पर गए, फलों ने कहा, भाई साहब एप्पल चाहिए क्या? दही दो। केले चाहिए? दही दो। संतरे चाहिए? दही दो। पेरू चाहिए? दही दो। तो फिर फल की दुकान पे क्यों आए भाई साहब? जब आपको दही चाहिए तो दही की दुकान में जाओ। दिमाग की दही कर रहे हो? ये सब होता है बम्बई में, होता है क्योंकि बम्बई में कैरेक्टर एक से बढ़कर एक से बढ़कर कैरेक्टर। शायर, शायर बारों में मिलेंगे, है ना, बियर बार में। एक मिनट, ये जो नचनिया है इसके ऊपर अभी ताज़ा ताज़ा एक शेर फेंक रहा हूँ। बोले सुनाइए। बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है। वो डांसर भी कुछ, थैंक यू शायर साहब। एक मिनट, आगे की लाइन सुन, पप्पी वापस ले लेगी। बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है, यही बोल कि यहां तुझे सब ने बनाया है। एक कभी हालत खराब वीर रस का था, जो वीर गति को प्राप्त होने वाला था, इतना उसकी हालत खराब, कपड़े फटे हुए, लेकिन रुक करके बहुत लेजेंड कवि आ रहे हैं। अब वो आ गया, अपनी कविता पढ़ रहा है। आज घर में फिर फाका है, भुखमरी ने मेरे घर में खिड़की से फिर झांका है। अगर दूसरी लाइन पसंद आए तो यहां से वहां तक आशीर्वाद चाहूंगा कि जो मेरी दौलत लूट के ले गया, सामने बैठा अध्यक्ष वही मेरा काका है। आज घर में फिर फाका है। मैं 2-4 पैसे इस कवि सम्मेलन से कमाऊंगा, यही आशीर्वाद मेरी माँ का है कि आज घर में फिर फाका है। और इतने टेंशन में भी मेरा जनरल नॉलेज बहुत तेज है। मुझे पता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आज घर में फिर फाका है। आशीर्वाद चाहूंगा कि जहां मेरे घर मालिक ने मेरे घर के सारे बर्तन फेंक दिए, बाजू के चौराहे पर वो नाका है। आज घर में फिर फाका है। लोगों ने उसकी कविता रोक के बीच में पेमेंट दे दिया। जा बेटा, तेरा हाल और तेरी कविता हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कविता पढ़ने वालों के बारे में तो बस यही कह सकते भैया, कल तक लोग कहते थे ये बहुत अच्छी सुनाता है कविता, लेकिन भूख की वजह से मर गया। कितना अच्छा कवि था। हमारे एक मित्र है खान साहब, उनको लगता है कि इंडस्ट्री की सारी जानकारी उनके पास में है। सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं बल्कि कलाकारों के परिवार की एक एक बात वो जानते हैं। सुनील इधर इधर। सलमान खान को जानता है? हाँ जानता हूँ, मैं उसके परिवार को जानता हूँ। सलमान खान ने जिस वक्त बॉडी बनाना शुरू किया था ना, मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये एक दिन बॉडी बना के बॉडी गार्ड ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि इसके घर में सब लोग बॉडी बिल्डर हैं, सबकी माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है। इनकी सेहत को कुछ नहीं हो सकता। बोला क्यों? क्योंकि घर में एलोवेरा है। सोहेल को मैंने समझाया, सोहेल इधर, ए सोहेल इधर, ए इधर सोहेल। बोले भाई मेरी फिल्म देखी क्या? मैंने देखी फिल्म, तेरी एक फिल्म सोहेल के बराबर है। तो सोहेल एक्टिंग करना बंद कर, डायरेक्शन शुरू कर। मैंने राय दी, आज देखो कितनी सारी फिल्में बन गई, अच्छी अच्छी फिल्में बन के हिट हो गया सोहेल। अभी फिल्में बना, डायरेक्ट कर। अरबाज को भी मैंने ये कहा, अरबाज ने मुझसे कहा, भैया हाँ साहब फिल्म देखी आपने? मेरी फिल्म देखी, एक्टिंग की फिल्म देखी। मैंने कहा अरबाज, अरे बाज आ जा, अरे बाज आ जा अरबाज, एक काम कर प्रोड्यूसर बन जा, समझे? प्रोड्यूसर बनेगा तो फायदे होंगे, दबंग प्रोड्यूसर बनेगा तू, दबंग। उसके बाद जिंदगी भर मलाई खा, जिंदगी भर मलाई खा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में। शाहरुख के बारे में क्या जानता है? हाँ क्या जानता है, हकला है वो एक नंबर का।
हाँ मैंने भी सुना था कुछ अकलाते हैं, लेकिन उसको फायदा हुआ अकलाने से। तो क्या फायदा हुआ, आज भी नंबर वन पे टिका हुआ है, उससे आगे बढ़ने अकला रहा है वो, अटक गया वहाँ। अमिताभ बच्चन के बारे में क्या जानता है? जो सभी जानते हो, वो आदमी हमेशा अमीर रहेगा, उसके जिंदगी में कभी मंदी नहीं आएगी। क्यों? तेजी का बेटा है, तेजी का बेटा हरी की औलाद है, कभी प्रॉब्लम नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ बेटे की वजह से हो सकती है, वो भी टल जाएगी। क्यों? खान साहब ने कोई नया नुस्खा दिया है उसको, समझ जाएंगे सब लोग। राखी सावंत के बारे में क्या जानता है? जो सभी जानते हैं, राखी सावंत एक बार ट्रेन में जा रही थी, टीसी ने कहा टीसी टिकट 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 टिकट, राखी सावंत ने कहा मेरा चेहरा ही टिकट है। तो टीसी ने कहा इस हिसाब से तो फर्स्ट क्लास में नहीं, थर्ड क्लास में ठीक लगती है। एक और हमारे हैं साथ में, वो है नायकर साहब। उनके बारे में क्या कहें, वो इतने फुर्सती होते और दुनिया के बारे में इतना नॉलेज लेके बैठे, उनको लगता है जितना फुर्सती मैं हूँ दुनिया भी उतनी फुर्सती है। बैठो। अरे बैठ बैठ जाओ। बहुत सारी बातें बताऊंगा तुम्हें मैं, बीच में हंसना नहीं। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत फनी मानते हैं, कहते काला ना आ गए तू फनी, ऐसा बातें करते हैं। असल में के नायकर साहब का फैन हूँ मैं, तो अपना नाम ऐसे ही मैंने नायकर रख लिया है, वैसे तो मेरा नाम कुछ और है, बाद में बताऊंगा। खैर, पाक शास्त्र के बारे में क्या जानते हो? ये जो खाना बनाने की कला है, हाँ ये कला असल में हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तान से आई, तभी तो इसका नाम पाक शास्त्र है, समझे? अच्छा, ये कला मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, पता नहीं किसने कूटी है पर भरी है, इतनी कूट कूट के भरी है, रात को मैं उठ उठ के खाना बनाता हूँ। बीवी नहीं बनाती घर पे आपकी? वाइफ वाइफ नहीं बनाती? इस बात के थोड़ा करीब आना पड़ेगा, पर्सनल बात है, किसी को बोलना नहीं। परसाई जी ने कहा है कि भोजन स्वयं बनाना चाहिए। परसाई जी ने कहा? बोलना नहीं, तेरे परजाई ने कहा है, समझे? देखो क्या, सुहागरात के दिन पहले ही दिन हमने जब उसको घूंघट उठाया कहा कि ये बताओ श्रीमती जी खाने में क्या बनाती है, तो वो बोली मैं चटनी अच्छा बनाती हूँ। वो दिन और आज का दिन हमने उसे कुछ बनाने के लिए नहीं कहा। एक दिन सासू माँ भी घर पे आ गई थी, तो सासू माँ से हमने पूछा आप क्या बना सकती है, तो कहने लगी बेटा हम गवार अच्छा बनाते हैं। हमने कहा ससुर जी को देख के लगता है कि आपने अच्छा, पूरे मोहल्ले वाले बड़ी इज्जत करते हैं हमारी। अच्छा मतलब क्या कहते हैं? भगवान मानते हैं हमें। वो कैसे? परसों पूरे मोहल्ले वाले जमा हो गए, हम गाना गा रहे तो पूरे बोलने वाले जमा हो गए, कहने लगे नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा। हमने कहा आप मुझे नागा बाबा कह रहे हो? कहने लगे नागा बाबा बहुत बुरा गाता है तू, नागा बाबा। तब पता चला कि हम जो है तो मिला कर ये सब चीज़ें बताया करूँगा, समझे? अच्छा सुनो, आए हो तुम्हारे यहाँ से कुछ खा के जाओ, समझे? क्या बनाया? जहर बनाया खाएगा। इनके बाद में एक और कैरेक्टर है हमारे, आनंद कुमार। काहे के आनंद कुमार? नाम केवल आनंद कुमार है, चेहरा दुनिया भर का फ्रस्ट्रेशन। कोई भी बात पूछो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा मुंह है ही नहीं, केड़ा है। ऐसा तो कब्ज की बीमारी है बच्चा। आनंद जी कैसे हैं? पहले से बेहतर। बाल बच्चे? बाल सर पे है, बच्चे घर पे हैं। मैं कहा सर आपने मेरा प्रोग्राम देखा? देखा देखा। यू आर वेल डिजर्विंग। मैं कहा थैंक यू सर। कब कूद रहा है कुएं में? क्यों? वेल डिजर्विंग है। मैंने कहा आप घर पे इकलौते हैं, माँ बाप को दूसरा कोई भाई नहीं आपको? मैं बहुत शाना था, आमतौर पे बच्चों को माँ बाप सुला के सोते हैं, मैं माँ बाप को सुला के सोता था, किसी वजह से इकलौता रहेगा। आइए बात करते हैं रेडियो की। रेडियो, रेडियो की बात सुनने के लिए आप लोग रेडी हो? रेडियो कितना बदल गया, क्या क्या नाम आ गया रेडियो का, रेडियो मिर्ची आलू टमाटर। रेडियो है ये भाजी की दुकान है, कुछ समझ नहीं आता।
और जो रेडियो के आरजे होते हैं इतने फ्रस्ट्रेटेड होते, लगता है घर पे इनको कोई सुनता नहीं। रेडियो पे आके वेलकम टू 94.7 एफएम, मैं हूं आपका आरजे वीजे। मुझे आज पता चला कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा। और ऐसी किसी बोलने वाली से शादी कर ली उसने, दोनों शादीशुदा हो गए। अब घर पे सन्नाटा, पड़ोसी कहते यार मर गए कि है, पति पत्नी कुछ बात नहीं करते। उसने बोला भाई कैसे बात करेंगे, दुनिया भर की बातें तो वहाँ करके आते हैं रेडियो में, बचता कुछ भी नहीं यहाँ पर बात करने के लिए। इतनी बातें करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम रेडियो पे आते हैं। वो एक आता है LLB अनिरुद्ध LLB, वो लॉयर है लायर समझ में नहीं आता है। हेलो हाय हाय हाय, अरे क्या दरवाजे के अंदर फंस गया तू, क्या हुआ क्लिप क्या, हेलो हाय हाय हाय। और एक आता है वो मैं हूँ लव गुरु, कोई भी प्यार की कोई बात हो, कुछ कहना हो अपनों से अपनी से मुझे फोन करें। हेलो मैं हूँ लव गुरु, अपने दिल की बात आपसे बता रहा हूँ, एक लड़की से मुझे प्यार हो गया है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। क्या वो लड़की तुमसे प्यार करती है? हाँ बहुत प्यार करती है, हम दोनों भागने की तैयारी में, इनफैक्ट उसके लिए हमने PT उषा को अपना गुरु भी मान लिया है। भागना चाहते हैं। तो फिर किस बात की देरी है? लड़की अपने भाई से बहुत डरती है। कौन है उसका भाई? तू। लव गुरु हमारे पास तुम्हारे जैसे 100 गुरु, समझे? हाय हाय। रेडियो का रूप कितना बदल गया। अच्छा आरजे और FM, सबसे पहला आरजे मेरे ख्याल से रविंद्र जैन ही रहा होगा, आरजे जोक था। उसके बाद में अगर आप देखा जाए, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, FM वालों के लिए रेडियो क्या है? रेडियो FM वालों के लिए है फादर मदर। FM यही बाप है यही माँ है उनकी। एक जमाने में अमीन सयानी साहब कितना मीठा बोलते थे, कितना प्यारा बोलते थे। अरे भाइयों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इतना प्यारा प्यारा बोलते थे, लगता है कि मुंह से हलवा टपक रहा है। इतना मीठा बोलते थे। एक बार गाड़ी से जा रहे थे, सिग्नल तोड़ दिया, टपाक टपाक। ट्रैफिक वाले ने कहा इधर तुमने सिग्नल तोड़ दिया। भाई कौन सा ये नाका? हम तो एक ही नाका जानते हैं, बिना का।